वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम एचडीएफसी बैंक लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो आने वाले वीक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रह सकते हैं एचडीएफसी बैंक स्टॉक के लिए, वो भी यहाँ पे हम लोग चेक करने वाले और कहीं पे सपोर्ट कहाँ पे रजिस्टर ले सकता है एचडीएफसी लिमिटेड स्टॉक, वो लेवल्स भी यहाँ पे हम लोग चेक करने वाले। वैसे देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक ने यहाँ पे आप देख सकते कि पिछले मंथ में जो यहाँ पे 1400 लेवल पे रजिस्टर लिया था, तो यहाँ पे आप देख सकते लास्ट मंथ में भी सेम लेवल पे रजिस्टर लिया गया था। तो इस मंथ भी ऊपर देख सकते हो कि 1400 लेवल पे रजिस्टर लेके गिरावट देखने को मिले, पर ज़्यादा गिरावट होने के चांसेस कम है, क्योंकि तो नीचे देख सकते हो कि तकरीबन यहाँ पे मंथली प्यूट जो है वो कौन से लेवल पे 1362 के करीब यहाँ पे मंथली प्यूट है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा यहाँ पे एचडीएफसी बैंक स्टॉक के लिए। तो नीचे गिरावट होती है तो उस लेवल पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर के साइड बाउंस बैक हो सकता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड स्टॉक। और यहाँ पे देखा जाए तो 1380 लेवल की बात की जाए तो 1380 लेवल पे यहाँ पे सपोर्टिव एक्ट हो सकते हैं, क्योंकि उस लेवल पे पिछले 2-3 दिनों से भी सपोर्ट लिए गए थे, तो वो लेवल पे यहाँ पे सपोर्टिव एक्ट हो सकते हैं। गैप डाउन से ओपन होता है तो 1360 तक जा सकता है, गैप अप से ऊपर ओपन होता है तो फिर से 1400 लेवल तक जा सकता है मंडे के दिन में। वैसे भी 1 आवर का चार्ट भी देखा जाए एचडीएफसी बैंक स्टॉक के लिए तो एचडीएफसी बैंक में देख सकते कि गिरावट होते हुए थे, कैसे गिरावट हो चुकी है और तकरीबन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रह सकते हैं एचडीएफसी बैंक स्टॉक के लिए, वो भी क्लियरली देख सकते हो। तो रिसेंटली देख सकते हो कि जो यहाँ पे देखा जाए तो 1380 लेवल जो सपोर्ट एक इंपॉर्टेंट लेवल थी उसको भी यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है एचडीएफसी बैंक स्टॉक ने। तो यहाँ पे नीचे गैप डाउन से ओपन होता है फिर फ्राइडे मंडे के दिन, तो और गिरावट हो सकती है नीचे के साइड, और गैप अप से ऊपर ओपन होता है 1380 से तो 1400 लेवल तक जाने के चांसेस दिखाई दे सकते हैं। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे एचडीएफसी बैंक स्टॉक के लिए।